हेलो दोस्तों, तो आ गए हम एक बार फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी के प्यार और सपोर्ट के कारण आज हम 27 प्लस के फैमिली हो चुके हैं। और ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा ताकि हम जल्दी 30K और 50K तक भी पहुँच जाएँ। तो आज के हमारी इस वीडियो का नाम है ब्रीडर, जो कि हाल ही में 2020 में रिलीज़ हुई थी, जिसे जेम्स डेल्थ ने डायरेक्ट किया है। ये मूवी एक डैनिश मूवी है और इसे अपने वायलेंस और डिस्टर्बिंग सीन्स के कारण कई सारे देशों में बैन कर दिया गया है और इसे बैन होना भी चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में ऐसा क्या है जो इसे कई देशों में बैन कर दिया गया, तो ये तो हमें वीडियो के एंड में ही पता चलेगा। तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब मूवी की स्टार्टिंग में ये दिखाया जाता है कि मिया नाम की एक लेडी अपने घोड़े के साथ में ट्रेनिंग कर रही थी, क्योंकि वह आने वाले ओलंपिक में अपने देश को रिप्रेजेंट करना चाहती थी। मिया थॉमस नाम के एक बैंक इन्वेस्टर की पत्नी थी, जो कि उससे प्यार तो करता था लेकिन उसे जो चाहिए था वो नहीं दे सकता था। और आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिरकार वो चीज़ है क्या। फिर एक रात जब थॉमस सो रहा था तो उसके कंप्यूटर पर एक मेल आता है, जिसे मिया ओपन कर लेती है, जो कि डॉक्टर इजाबेल रूबीना का था। वो थॉमस को एक अजीब सी इमेज भेजती है जिसमें किसी की बॉडी पर 14K लिखा हुआ था। अब इजाबेल एक डॉक्टर थी जिसके रिसर्च के लिए थॉमस इन्वेस्ट करता था। फिर हम एक बंद पड़ी हुई फैक्ट्री को देखते हैं जहाँ पर एक कंटेनर भी पड़ा हुआ था, और ये सीन यहीं पर कट कर दिया जाता है। तो क्या था इस कंटेनर के अंदर, जानेंगे हम आगे वीडियो में। अगले सीन में थॉमस डॉक्टर इजाबेल का टीवी इंटरव्यू देखता है, जहाँ पर वो अपनी नई रिसर्च के बारे में बता रही थी कि उसके रिसर्च के बदौलत ट्रीटमेंट के जरिए किसी भी व्यक्ति की जवानी वापस लाई जा सकती है, या यूँ कहें तो किसी का भी बुढ़ापा कम किया जा सकता है। और इजाबेल का यह ट्रीटमेंट बस मर्दों के लिए ही था। फिर जब इंटरव्यू लेने वाला जर्नलिस्ट इजाबेल से उसकी फैक्ट्री के बारे में पूछता है तो वो इसे टॉप सीक्रेट कहकर दिखाने से मना कर देती है, जिसके बाद में थॉमस इजाबेल को तुरंत फ़ोन करके अपने घर बुलाता है। हम देखते हैं कि मियाँ जॉगिंग करके अपने घर की तरफ आ रही थी और तभी उसकी टक्कर उसकी ही नेबर निका से हो जाती है, जिसका एक बच्चा भी था। मियाँ निका से बात ही कर रही थी कि तभी वहाँ पर इजाबेल भी पहुँच जाती है और मियाँ इजाबेल को निका से मिलवाती है, जिससे उसे पता चलता है कि निका एक रशियन है और यहाँ पर बिना पेपर्स के रह रही है। डॉक्टर इजाबेल निका का एक बाल चुरा कर अपनी जेब में रख लेती है और थॉमस के पास मिलने उसके घर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर थॉमस इजाबेल की ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी इस रिसर्च को इतनी जल्दी दुनिया के सामने लाया जाए, क्योंकि उनके पास अभी भी टंकी फैक्ट्री और बाकी का सामान नहीं था। लेकिन इजाबेल कहती है कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो चाइना के कुछ रिसर्चर्स यही काम उनसे पहले कर देते हैं, क्योंकि जो पहले आता है वही पहले पाता है। फिर इजाबेल थॉमस को ये बताती है कि वो ऑलरेडी ही कुछ ट्रीटमेंट्स कर चुकी है, और उन लोगों की फ़ोटोज़ वो थॉमस को दिखाती है जिसमें पहले वो बूढ़े होते हैं और दूसरी फ़ोटो में वो कुछ साल यंग लगते हैं, जिसके बदले में थॉमस इजाबेल से कहता है कि वो जो चाहे करें, बस अपने रूल्स के दायरे में रहकर। रात होने पर हम ये देखते हैं कि मियाँ बहुत ही अच्छे से तैयार हुई है। वो थॉमस को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है। मियाँ को थॉमस से एक बच्चा चाहिए था और वो इसके लिए बिल्कुल रेडी थी, क्योंकि उसके ओलंपिक 3 साल के बाद में आने वाले थे और तब तक उसका ये बच्चा भी बड़ा हो जाता। लेकिन थॉमस इन सब चीज़ों से दूर ही रहता है। थॉमस मियाँ को क्लियर बोल देता है कि वो उसे दुनिया की सारी चीज़ें दे सकता है, बस ये छोटी सी चीज़ को छोड़कर, जिसे सुनने के बाद में मियाँ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। फिर हम ये देखते हैं कि मियाँ की नेबर निका कहीं से लौट रही थी और रास्ते में उसे कोई टक्कर मार के चला जाता है, जिसके कुछ देर के बाद में निका बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक वैन के अंदर पाती है, जहाँ पर वो ये देखती हैं कि 2 आदमियों ने उसे किडनैप कर लिया है और वो उसके शरीर पर गर्म लोहे से एक निशान बना देते हैं। वे व्यक्ति निका को वैन में बंद करके कहीं पर ले जा रहे थे, लेकिन तभी निका मौके का फ़ायदा उठाकर वैन से कूद जाती है। फिर अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो इजाबेल के पास में ट्रीटमेंट के लिए आता है,
और इजाबेल उससे मोटी रकम लेकर उससे एक एग्रीमेंट साइन करने को कहती है, जिसमें यह लिखा था कि ट्रीटमेंट के दौरान जो कुछ भी उसके साथ होगा वो उसे किसी को भी नहीं बताएगा। फिर इजाबेल उस आदमी के सीमेन और उसके ब्लड सैंपल्स लेने को कहती है, जिस पर वो आदमी सवाल उठाता है और इजाबेल उसका ट्रीटमेंट करने से मना कर देती है और उसे वापस अपने घर भेज देती है। फिर अगेन सीन कट होता है और हमें देखते हैं कि थॉमस और मियाँ आपस में बातें कर रहे थे, जहाँ पर मियाँ थॉमस से कहती है कि जो कुछ भी इजाबेल कहती है अपने ट्रीटमेंट के बारे में वो सब कुछ सच है या नहीं, जिस पर थॉमस मियाँ को ये बताता है कि इजाबेल खुद 61 साल की है और थॉमस उसे पिछले 10 साल से ऐसे ही देख रहा है। फिर तभी अचानक मियाँ के घर के दरवाजे पर निका मदद के लिए आती है, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मियाँ पुलिस को कॉल करने को कहती है, लेकिन निका उसे मना कर देती है क्योंकि उसके पास में कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और वो यहाँ की नहीं बल्कि रशिया की रहने वाली थी। थॉमस निका के हाथ पर एक टैग देख लेता है और ये टैग बिल्कुल उसी टैग के समान था जिसका उसे मेल आया था, और वो तुरंत इजाबेल को इसकी जानकारी दे देता है, जिसके बाद में वो खुद निका को हॉस्पिटल ले जाने का कहकर निकल जाता है। फिर हमें देखते हैं कि थॉमस और निका को निकले पूरा दिन हो जाता है और मियाँ हॉस्पिटल में कॉल करके उनके बारे में पूछती है, तो इससे ये पता चलता है कि हॉस्पिटल में कोई भी निका नाम की लेडी नहीं आई, जिससे डाउट में आकर मियाँ थॉमस के फ़ोन की लोकेशन को देखती है, जो कि एक बंद पड़ी हुई फैक्ट्री के पास होती है, और वहीं पर थॉमस निका को इजाबेल के पास में लाया था। इजाबेल के आदमी निका को पकड़कर अंदर इजाबेल के रिसर्च सेंटर में ले जाते हैं, जो कि एक बंद फैक्ट्री में था। थॉमस इजाबेल को रिसर्च के लिए पैसे स्पॉन्सर करता था, और जब थॉमस को पता चलता है कि इजाबेल गलत काम करके यह रिसर्च कर रही है, तो थॉमस उसे ये प्रोजेक्ट रोकने के लिए कहता है। लेकिन इजाबेल थॉमस को एक लड़की की फ़ोटो दिखाती है जिसका नाम एली था, और उस लड़की की फ़ोटो देखने के बाद में थॉमस बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से निकल जाता है। थॉमस के उस रिसर्च सेंटर से जाने के बाद में मियाँ वहाँ पर पहुँचती है, जिसे इजाबेल CCTV में देख लेती है और उसे अंदर आने देती है। मियाँ को अंदर रिसर्च सेंटर में घुसने के बाद खंडर जैसा नज़ारा दिखाई देता है, जहाँ पर बहुत सारी टेबलेट्स और मेडिसिंस पड़ी हुई थी। फिर मियाँ को किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो वो ये देखती है कि वहाँ पर एक आदमी एक लड़की को जानवरों को लगाए जाने वाले बिजली के करंट लगा रहा था। और फिर तभी मियाँ को एक दूसरा आदमी पकड़ लेता है और उसे घसीटता हुआ ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है। इस आदमी का नाम था डॉग, जो कि एक जानवरों का डॉक्टर था और अब वो इजाबेल के लिए काम करता था। डॉग वापस मियाँ के पास में आता है और उसे अपने कपड़े उतारकर उसके दिए हुए कपड़े पहनने को कहता है। मियाँ डर के मारे डॉग के सामने कपड़े बदलती है, जिसके बाद डॉग मियाँ के हाथ और मुंह को बांधकर उसके ब्लड सैंपल लेता है और फिर लोहे की एक गर्म रॉड को गर्म करता है और उससे वो मियाँ के हाथ पर एक टैग लगा देता है, जैसा कि जानवरों को लगाया जाता है, जिससे कि मियाँ को बेइंतहा दर्द होता है क्योंकि उसके हाथ की चमड़ी जल जाती है। जिसके बाद में डॉग इससे भी गंदी हरकत करता है, वो मियाँ के ऊपर पेशाब करके वहाँ से चला जाता है। थॉमस को जब ये पता चलता है कि मियाँ यही रिसर्च सेंटर में है, तो वो अपनी वाइफ को लेने के लिए वापस से यहाँ पर आ जाता है, लेकिन डॉग उसे अंदर नहीं जाने देता। थॉमस डॉग से अपनी पत्नी को मिलने के लिए रिक्वेस्ट करता है और डॉग इजाबेल के कहने पर उसे 5 मिनट का समय देता है। मियाँ थॉमस से बहुत ही नाराज होती है क्योंकि वो ही उसकी इस हालत का कारण था, और थॉमस उसे यहाँ से बचा भी नहीं सकता था क्योंकि इजाबेल उसे भी मार देती। जिसके बाद में थॉमस वहाँ से निकलकर इजाबेल के पास में चला जाता है और मियाँ को कमरे में ये महसूस होता है कि यहाँ पर कई सारी लड़कियाँ आई हुई थी। मियाँ को वहाँ से एक लड़की का टूटा हुआ नाखून मिलता है, जिससे वो अंदाज़ा लगा लेती है कि यहाँ पर दया की कोई जगह नहीं है। निका भी यहीं पर कैद थी और वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन इजाबेल का आदमी उसे मार देता है और उसकी बॉडी को एक कंटेनर में डाल देता है, जो कि उसकी बॉडी को पूरी तरह से गला देती है। फिर हम ये देखते हैं कि इजाबेल से मिलने वही आदमी आता है जिसका ट्रीटमेंट होने वाला था, लेकिन अब इजाबेल उस आदमी से 50% ज़्यादा पैसे की मांग करती है, जिसके बाद में वो अपने काम में लग जाती है, जहाँ पर वो डॉग की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करती है।
फिर थॉमस मियाँ से मिलने के लिए उसके कमरे में पहुँचता है, जहाँ पर मियाँ उससे 14K के बारे में पूछती है, जिसका फ़ोटो इजाबेल ने उसे मेल किया था। थॉमस मियाँ को ये बताता है कि उसका नाम एली है, जिसे वो एक पार्टी में मिला था और इजाबेल ने ही उन दोनों को मिलवाया था। फिर दोनों एक कमरे में गए, जहाँ पर थॉमस बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो उसने ये देखा कि एली नाम की वो लड़की मरी हुई पड़ी थी। और थॉमस को ये लगता है कि एली को शायद उसने ही उसके नशे की हालत में मारा होगा और इजाबेल ने ही उसे वहाँ से बचाया। फिर इजाबेल थॉमस को अपने लैब में ले जाती है, जहाँ पर वो उसे ये बताती है कि वो किस तरह से यहाँ पर ट्रीटमेंट करती है। वो यहाँ पर आने वाली लड़कियों को प्रेग्नेंट करके उनके एक्स को ट्रीटमेंट में यूज़ करती है, लेकिन असली राज वो थॉमस को नहीं बताती। फिर इजाबेल थॉमस को ये बताती है कि वो अपनी रिसर्च का फ़ायदा खुद पर भी उठाना चाहती है, लेकिन उसके लिए कोई भी सूटेबल डोनर नहीं मिल रहा है जिसका DNA उससे मैच करता हो। इजाबेल का काम गैरकानूनी और हैवानियत से भरा जरूर था, लेकिन वो इसके जरिए दुनिया के सबसे अमीर लोग भी बन सकते थे। और इजाबेल थॉमस को अपनी बातों के झांसे में लेकर मियाँ को मारने को कहती है, क्योंकि अगर वो जिंदा रही तो उनकी पोल खुल जाएगी। फिर थॉमस खुद मियाँ को मारने के लिए जाता है, लेकिन वो सभी को चकमा देकर मियाँ को वहाँ से लेकर बाहर निकल जाता है। लेकिन उसके बाहर निकलने से पहले ही इजाबेल के दोनों आदमी डॉग और पिग उसे पकड़ लेते हैं। डॉग मियाँ को मारने की तैयारी करता है और मियाँ उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन डॉग औरतों से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था और वो औरतों से इतनी नफरत करता था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को इजाबेल के इस नर्क में भेज दिया। डॉग मियाँ को मारने ही वाला था कि तभी उसे इजाबेल के ऑर्डर मिलते हैं कि वो उसे मारे नहीं बल्कि उसके पास में लेकर आए, क्योंकि इजाबेल को अपनी डोनर मिल चुकी है जो कि मियाँ थी। वो मियाँ को लैब में लाकर उसे आर्टिफिशियल तरीके से एक लंबे से इंजेक्शन के जरिए प्रेग्नेंट करवा देती है, जिसमें मियाँ को बहुत दर्द होता है, जिसके बाद में मियाँ को नीचे बेसमेंट पर रखा जाता है जब तक कि वो बच्चे को जन्म न दे दे, जहाँ पर पहले से ही कई सारी औरतें पिंजरे में बंद मौजूद थी, जहाँ पर उन सभी को लंबे समय से रखा जा रहा था। मियाँ एली को वहाँ पर देखती है, जो कि जिंदा भी थी और प्रेग्नेंट भी थी, यानी कि इजाबेल ने थॉमस को झूठ कहा था। जिसके बाद में वहाँ पर एक लेडी को दांत में दर्द होता है और डॉग उसे बिना एनेस्थीसिया दिए उसके दांत को खींचकर निकाल देता है और वो उस लड़की के दोनों होठों को स्टेपलर से बंद कर देता है ताकि वो जोर जोर से चिल्लाए नहीं। डॉग की इस हैवानियत को देखकर एली उस पर थूक देती है, जिससे गुस्से में आकर डॉग उसे बहुत पीटता है, जिससे कि एली की हालत बहुत ख़राब हो जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। इजाबेल को जब ये पता चलता है कि डॉग ने एली को बहुत मारा तो वो तुरंत वहाँ पर पहुंचकर एली की डिलीवरी करवाती है और वो एली के बच्चे को उससे छीनकर वहाँ से चली जाती है। फिर मियाँ अपने केज में बाथरूम कर देती है, जिससे कि डॉग बहुत नाराज हो जाता है और उसे बाहर निकालकर जोर जोर से पीटने लगता है, जिसका फ़ायदा उठाकर मियाँ उसके जेब से चाकू निकाल लेती है और वो उसके पेट में गुस्सा देती है। डॉग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो दर्द में भी था। वो मियाँ के मुंह के अंदर थूक देता है और मियाँ को काफ़ी प्रताड़ित करता है। वो मियाँ का गला दबाकर उसे मारने ही वाला था कि तभी बाकी की लड़कियाँ मियाँ की मदद करती है और डॉग को चाकू मारने लगती है, जिसके बाद वो औरतें डॉग के पास से चाबियाँ निकालकर बाकी सभी औरतों को आज़ाद कर देती है और वे सभी पहले एली के बच्चे को ढूंढने जाती है, जो कि इजाबेल ले गई थी। एली के बच्चे को ढूंढते ढूंढते मियाँ उसी कंटेनर के पास में पहुंचती है जो कि मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था, और उस कंटेनर के अंदर कुछ ऐसा था जिसे देखकर मियाँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो सभी औरतों को वहाँ झांकने के लिए मना करती है, लेकिन जब वो औरतें वहाँ पर झांक कर देखती है तो वह देखती है कि उस कंटेनर के अंदर बहुत सारे बच्चों की लाशें मौजूद हैं जो कि सड़ रही है। उन सभी को ये लगता है कि एली के बच्चे को भी इजाबेल ने मार दिया है और वो गुस्से में आकर इजाबेल को ढूंढने जाती है, और वो ये देखते हैं कि इजाबेल ने एली के बच्चे को मारा नहीं है बल्कि वो उसे मारने वाली है। एली तुरंत इजाबेल से अपने बच्चे को छीन लेती है और वो इजाबेल के आदमी को चेन से गला दबाकर मार डालती है। इजाबेल उन औरतों से बचकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है,
लेकिन जब मियाँ इजाबेल के पीछे भागती है तो उसे डॉग वहाँ पर पकड़ लेता है, जिससे बचने के लिए मियाँ एक अलमारी के अंदर छुप जाती है। और तभी वहाँ पर थॉमस भी मियाँ को बचाने के लिए आ जाता है, जिसकी डॉग से बहुत बुरी तरह से लड़ाई होती है। डॉग थॉमस को बहुत बुरी तरह से मारता है और डॉग थॉमस के चेहरे के आसपास नुकीले तार को लपेटकर उसे जोर से खींच देता है, जिससे थॉमस के चेहरे की चमड़ी कटने लगती है। लेकिन फिर भी डॉग उसे नहीं छोड़ता। इजाबेल अपने सभी सैंपल को लेकर भागने की कोशिश करती है ताकि वो उन सभी सैंपल को बचा सके, लेकिन उसे सभी औरतें रास्ते में ही घेर लेती है। फिर यहाँ पर मियाँ जैसे तैसे अलमारी के बाहर आती है और डॉग को इलेक्ट्रिक गन से शॉक लगाकर थॉमस को डॉग से बचाती है, जिसके बाद में सभी लड़कियाँ डॉग को पकड़कर एक पोल से बांध देती है और उसे वैसा ही दर्द दिया जाता है जैसा कि वो सभी औरतों को दिया करता था। एक औरत आकर डॉग के ऊपर पेशाब करके अपना गुस्सा निकालती है और फिर उसे पीट पीट कर मार दिया जाता है। अब उन औरतों में से एक औरत डॉग की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी, जिसे डॉग धोखा देकर यहाँ पर लाया था। वो इजाबेल को खोलकर डॉग की मदद करने को कहती है, लेकिन इजाबेल को ये पता था कि अब यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो स्क्रू ड्राइवर लेती है और खुद को मार डालती है। फिर हम ये देखते हैं कि सभी को वहाँ से रेस्क्यू करके निकाल लिया जाता है, लेकिन पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि इजाबेल नाम के कोई भी डॉक्टर रजिस्टर्ड ही नहीं है। पुलिस के द्वारा उस केस को वहीं पर दबा दिया जाता है और वहाँ से बचाई गई लड़कियों को नई जिंदगी भी दी जाती है। फिर कुछ समय के बाद में मियाँ अपने बच्चे को जन्म देती है और थॉमस के साथ में उस दर्दनाक हादसे को भुलाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। तो वेल दोस्तों, ये था ब्रीडर मूवी का एक्सप्लेनेशन। वैसे तो आपको सब कुछ समझ आ ही चुका होगा मूवी में क्या चल रहा था और क्या नहीं, सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर कि उन लड़कियों को प्रेग्नेंट करके किसी क्लाइंट को कैसे यंग किया जाता था। तो मैं एक बार फिर स्टोरी को और सिंपल कर देता हूँ। मियाँ थॉमस की पत्नी थी जो कि माँ बनना चाहती थी, लेकिन थॉमस अपनी कमियों के चलते ऐसा नहीं कर सकता था। थॉमस एक बिजनेसमैन और इन्वेस्टर था। वो डॉक्टर इजाबेल को रिसर्च के लिए इन्वेस्ट करता था, जो कि किसी भी व्यक्ति को यंग करने के लिए ट्रीटमेंट की खोज कर रही थी। लेकिन डॉक्टर इजाबेल का तरीका बिल्कुल गलत था। मूवी में ये दिखाया जाता है कि इजाबेल क्लाइंट के सीमेन का सैंपल लेती है और लड़कियों को प्रेग्नेंट करती है, यानी कि वो लड़की और क्लाइंट के डीएनए को मैच करके क्लाइंट के सीमेन से उन्हें प्रेग्नेंट करती थी। फिर जब वे लड़कियां बच्चों को जन्म देती थी तो वो उन बच्चों को मारकर कुछ यूज़फुल चीज़ें निकालकर क्लाइंट के डीएनए में डाल देती थी। और अगर ये देखा जाए तो वो बच्चे बायोलॉजिकली क्लाइंट के ही होते थे। वो अपने ही नवजात बच्चे को मारकर उनके डीएनए के जरिए जवानी प्राप्त करते थे। लेकिन ये तरीका बहुत ही गलत था, इसीलिए इजाबेल उन सभी क्लाइंट से एग्रीमेंट साइन करवाया करती थी। अब इजाबेल थॉमस को अपने अंडर में करने के लिए उससे ये कहती है कि उसने नशे की हालत में एली को मार दिया और वो उसे बचाने के बदले में पैसे लिया करती थी। फिर जब थॉमस को इजाबेल की इस हैवानियत के बारे में पता चलता है तो वो उसे ऐसा करने से रोक देता है, जिसके बदले में इजाबेल थॉमस की पत्नी को कैद कर लेती है। इजाबेल खुद भी यंग होना चाहती थी, लेकिन उसे उसका डीएनए मैच करने वाला कोई भी डोनर नहीं मिल रहा था, और जो मिलता है वो थॉमस की वाइफ होती है। मूवी की बाकी स्टोरी तो मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि और भी कई सारे वीडियोस जल्दी आने वाले हैं।